हेलो एवरीबॉडी, बहुत साहब आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई एक्चुअली नो दैट, मुझे पता है आज की वीडियो ना बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आई फील लाइक एक साल बाद, शायद नहीं बहुत टाइम बाद यार, मैं एक ऐप रिव्यू की वीडियो ला रही हूँ। अब मेरे चैनल पे ऐप रिव्यू पहले बहुत फेमस थी, मेरी एक प्लेलिस्ट भी है ऐप रिव्यू, उसको विजिट कर लो। और नाउ आई एम थिंकिंग दैट मैं इस यू नो इस ऐप रिव्यू की इस वीडियो को ऐप रिव्यू में डालूँ या फिर मैथ मैजिक में डालूँ, बिकॉज ये मैथ मैजिक और ऐप रिव्यू दोनों से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। आई मीन दोनों ही है, ऐसा समझ लो आप। मैथ्स ऐप की आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ, कैसे यूज़ करना। अब रिव्यू कौन से ऐप्स की करते हैं, जो आप अच्छे से वर्क कर रहा हो, वो सही जा रहा हो, वो बुरा नहीं है आपके लिए, वो आपको हेल्पफुल रहेगा, उसकी रिव्यू की जाती है ताकि आप उसे यूज़ करो अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो। मैथ्स ऐप भी ऐसा। अब मेरी मैथ मैजिक की वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको इसकी बहुत ज़रूरत है, आपको बहुत हेल्प करेगा ये ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग लॉगिन से स्टार्ट करेंगे इसमें। तो जैसे ही आप ये ऐप का मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये है उसका यू नो सिंबल, तो इस पर आप प्रेस करोगे तो ये ऐप इस तरह से खुल जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन आइडियाज आएंगे, गूगल लॉगिन, फेसबुक लॉगिन या फिर कंटिन्यू एज गेस्ट, तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप स्टार्टिंग में कंटिन्यू एज गेस्ट करो, उसके बाद अच्छा लगे ऐप, आपको सही लग रहा है ना, उसके बाद आप गूगल लॉगिन करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा गेस्ट यूज़र का नेम आ गया, वेलकम गेस्ट यूज़र अंडरस्कोर 444 63, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सेटिंग्स कर सकते हो, फीडबैक, रेटिंग कर सकते हो, शेयरिंग कर सकते हो और अबाउट अस, इसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। सेटिंग्स में आप इसके एलियस चेंज कर सकते हो, मतलब जो आपका नेम आ रहा है अंडरस्कोर 444 63, जैसे मेरा आया है उससे आपका कुछ आ सकता है, वो वगैरह वगैरह, ठीक है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे आपको लास्ट में ये दिख रहा होगा टैप फुल स्क्रीन डिस्प्ले, इस पे करोगे ना तो फुल स्क्रीन डिस्प्ले होगी, ठीक है, बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप वो कर सकते हो। और कंटिन्यूस गेस्ट पे दबा दो। अब यहाँ पे आप बिगिन करते हैं ऐप रिव्यू। अब यहाँ पे नो बाय हार्ट और चेक योर मेमोरी, ये दो चीज़ें हैं। इन दो चीज़ों के बाद है वेदिक मैट्रिक्स, जो कि मैं ज़्यादातर बनाती रहती हूँ यार, एंड हाउ क्विक यू आर, इसमें मॉक टेस्ट्स भी आपको बहुत ज़्यादा मिलते रहेंगे। देन क्रिएट योर ओन टेस्ट, योर रिपोर्ट कार्ड और वीडियो ट्यूटोरियल्स के साथ सब कुछ आपको मिलने वाला है मेरिट शाइन का ये। अब पहले स्टार्ट करते हैं नो बाय हार्ट से, ठीक है। नो बाय हार्ट क्या आपको जानना है, हार्ट से मतलब आपको मुंह पे होना चाहिए, इतना अच्छे से आप क्लियर कर लो। टेबल्स बेसिक एडवांस ऑन डिमांड, बेसिक में टेबल्स कौन कौन से आ जाएंगे आप देख लो, 20 तक के, ठीक है, 20 तक के टेबल बेसिक में आ जाएंगे ये 20 का। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले यहाँ पे 2 का टेबल है, 2 का टेबल पहले क्या 1 to 5 तक का है, अब 1 to 5 का तक का 2 का टेबल है, पहले यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा आपको लर्न करना, एंड देन ट्राई नाउ पे क्लिक करोगे ना 2 3 6, जितनी जल्दी आप क्लिक करोगे, जस्ट ए सेकेंड, 2 4 8, 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10, इस तरह से आपको क्लिक करते जाना है। बस आपको क्लिक करना है नंबर पे, आंसर पे, और फिर फटाफट से एज फास्ट एज पॉसिबल आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब वैसे मैं तो वीडियो शूट कर रही हूँ, आई कैन डू दैट। और ऐसे ही आप करोगे, जैसे कि इस पे एक बार ट्राई कर देते हैं, मैं एक बार फटाफट से करा देती हूँ आपको। ओके, क्वेश्चंस आपको रिपीटेटिव उसी टॉपिक पे पूछे जाएंगे, फटाफट से आप आंसर दोगे ना, आपको लगेगा हाँ यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे मैंने यहाँ प्रेस किया तो ये सही आंसर गया था, तो इस तरह से आपको यू नो पता चल। अब ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मेरे को 5 स्टार्स मिले, ठीक है, और मैंने कितना टाइम लिया, मुझे सारा मिल जाएगा। मैंने टाइम लिया है 15.2 सेकेंड्स, और बेस्ट परफॉर्मेंस है इसकी शारद सैनी, जिसका रैंक 1 आया है 41 टाइम्स में, उसने 7.2 सेकेंड्स तक पहुँचाया। आप यहाँ से अपना स्क्रो रिजल्ट यहाँ से शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं ये भी, और जेनी कर देती हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे आप मेन्यू बार में फिर से जा सकते हो, और फिर यहाँ पे इम्प्रूव योर स्कोर मतलब इस पर क्लिक करोगे ना, आपको फिर से ये लिख जाएगी मेमोराइज ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको इसको पहले याद करना है, फिर से ट्राई नाउ करोगे तो आपको स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश। 5 स्टार्स आपको मिनिमम लाने हैं, मैक्सिमम आई मीन वैसे आपको जितने स्टार्स। अब इसी तरह से पहले 2 का 1 to 5 सिखाया, फिर 2 का 2 6 से 2 10 तक, फिर 3 का टेबल पे आ गया, ऐसे 20 तक के टेबल्स आपको यहाँ पे सिखा देंगे।
टेबल्स एडवांस्ड, एडवांस्ड मतलब यार हाई वाले टेबल्स, मतलब उससे भी आगे वाले, मतलब 20 तक के टेबल्स आपको ऐप पे मिलेंगे। लेकिन आप बोलो 211s या 212s ये भी पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, कितना अच्छा ऑप्शन। वैसे ये एक आई फील अ बिट यूजलेस एज वेल, बिकॉज ऐसा किसी को चाहिए नहीं कि 11, 12, 211s ये सब कौन पढ़ता है, ये सब मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि इतना याद करने गए तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे आप। तो इसलिए 20 तक आपको 20 तक मिल जाएंगे, मतलब 20 तक आपको सब मिल जाएगा। अब टेबल्स ऑन डिमांड, अब ऑन डिमांड वाला ये ऑप्शन मुझे बहुत पसंद है, आई जस्ट लव दिस ऑप्शन। इधर पे आपको क्या मिलेगा, आपको ऑन डिमांड जितने टेबल्स चाहिए उतने, आपको कहाँ तक के टेबल्स चाहिए, 100 तक के जितने टेबल्स चाहिए आपको मिल जाएंगे। मुझे चाहिए 24 का टेबल, मुझे नहीं आता 24 का टेबल। देखो 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to, मतलब 100 तक 2499 तक आपको सब क्लियर हो जाएगा, इतना सिंपल है ये। और आपको यहाँ पे ना सारा पहले क्लिक करोगे तो लर्न करवाएंगे, यहाँ पे पाँच स्टेप्स लर्न करवाएंगे। ट्राई नाउ पे करोगे तो आपको फिर क्वेश्चन सॉल्विंग देंगे, जिससे आप इसे यू नो लर्न करने के बाद आपको पता चले आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ अच्छे हो, मतलब रिपोर्ट्स भी आपको मिलते जाएंगे। टेबल्स की हमने डिस्कस की, अब नो बाय हार्ट में आते हैं स्क्वायर्स में। अब इस पे मैंने बहुत सारे वीडियोज डाले, मैं बहुत रिलेट करती हूँ। अब स्क्वायर्स आपको लर्न करने पड़ते हैं, आई बिलीव दैट यार स्क्वायर्स तो लर्न करने पड़ेंगे, कम से कम 1 to 10 तक या फिर 1 to 20 तक के तो स्क्वायर्स आपको लर्न होने ही चाहिए। इस ऐप में से आप 1 to 50 तक के स्क्वायर्स लर्न कर सकते हो, बस क्लिक करो, मेमोराइज करो, ट्राई नाउ पे करोगे तो जैसे ही आप करोगे वैसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्विंग मिलते जाएगा, बस आपको क्लिक करना है एंड वो करेक्ट होते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्वायर्स 1 to 50 तक के लर्न करवा देंगे, स्टार्स के अकॉर्डिंग फिर आपको सारे के रिपोर्ट्स मिलेंगे कि हाँ 1 to 5 तक के स्क्वायर आपको 5 स्टार में आता है, मतलब वो तो आपका परफेक्ट है। आई मीन अगर 1 to 5 तक के स्क्वायर्स में आपको 2 स्टार्स मिले तो थोड़ा इम्प्रूव करो यार। 1 to आपको एक्यूरेसी बहुत बनाए रखनी है, यहाँ पे एक्यूरेट रहना, एकदम फटाफट से आंसर देना, एक आंसर गलत नहीं जाना चाहिए, तब आपको स्टार्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा और स्कोर को इम्प्रूव करते रहो। अब आते हैं क्यूब्स पे, क्यूब्स भी यहाँ पे आपको 1 to 50 तक के याद करवा देंगे, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप पे, ट्राई करें। अब स्क्वायर रूट्स, अब स्क्वायर रूट्स आपको 1 से लेकर 10 तक याद दिला देंगे। अब 1 से लेकर 10 तक के मतलब मोस्टली इनके बीच में ना जो रेंज है ना, इनके बीच में पॉइंट वाले आंसर्स आते हैं, तो वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि आप पॉइंट वाले आंसर्स ना प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकाल सकते हो ना, दूसरे जो ट्रिक्स होते हैं उसके थ्रू, लेकिन इसका आप आंसर निकाल सकते हो डिवीजन मेथड के थ्रू, जो कि बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आप बेटर है कि अंडर रूट 1 to 10 आपको लर्न हो, ठीक है। अब क्यूब रूट्स की भी बात करते हैं, क्यूब रूट भी 1 to 10 का आपको यहाँ से लर्न हो जाएगा। अब इंडाइसेस, अब ये इंडाइसेस मतलब क्या हो रहा है, मतलब का पावर है, मतलब 2 का पावर 1 देंगे तो 2 रहेगा, 2 का पावर 2 देंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर 2 का पावर 3 देंगे मतलब 2 का क्यूब वो 8 हो जाएगा, 2 का पावर 4 होगा तो वो 16 हो जाएगा, 2 का पावर 5 होगा 32, मतलब यहाँ पे आपको इंडाइसेस भी मिल जाएंगे। बहुत कितना अच्छा ऑप्शन है ना इंडाइसेस का, जस्ट लव इट। अब रेसिप्रोकल, अब यहाँ पे आपको हर तरह के रेसिप्रोकल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बस आपको इसको मेमोराइज करना है, मतलब नंबर टू परसेंटेजेस वाले हैं यहाँ पे, बेसिकली नंबर टू परसेंटेज वाले हैं। आपको यहाँ पे आप अपने आप यू नो रिपोर्ट्स भी, आपको रिपोर्ट कार्ड्स आपको मिलते रहेंगे तो आप अपना करते रहोगे। अब ये परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज है ना, ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए, क्योंकि यार ये मेरे बुक में आया है तो मुझे मतलब बहुत हेल्प की इसने, इट हेल्प मी अलॉट इन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको लर्न करना है एंड देन आपको ट्राई नाउ पे क्लिक करके उसे ट्राई करना है। इंक्रीज डिक्रीज दो रहा है, फिर रेसिप्रोकल के बाद यहाँ पे ये आ रहा है परसेंटेज का 1/x का, ये जो रोटेशनल फॉर्मूला है वो भी आपको यहाँ से हो जाएगा। अब हम लोगों ने नो बाय हार्ट होती है ना ये वाली पूरी कॉन्सेप्ट पूरी डिस्कस कर ली। चलिए अब मूव ऑन करते हैं चेक योर मेमोरी पे। अब चेक योर मेमोरी में क्या होता है, गॉन इन 60 सेकेंड्स, 11 into 19, आपको इसको फटाफट से आंसर देना, फटाफट से आंसर दे देना है। अरे 11 into 19, अब आपको एक सेकेंड मैं थोड़ा पहले बता दूँ, वैसे मेरा अटेम्प्ट 1 नहीं था ये, आपको चेक योर मेमोरी करनी है, मतलब कि ये जो नो बाय हार्ट में आपने जितने भी पढ़े उन सब में से चेक योर मेमोरी में कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाएंगे, और मतलब हर टॉपिक पे बेस्ड नहीं होगा, आपके पसंद के आपके सिलेक्टिवली टॉपिक पे बेस्ड होगा। अब मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स आपको बहुत सारी बताती हूँ, अब प्रैक्टिस कहाँ से करोगे आप वो ट्रिक्स, मैं इतनी सारी वैदिक मैथ्स की मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स बताती हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है ना, यहीं से प्रैक्टिस होगी आपकी ट्रिक्स। 32 का क्यूब मैंने इसका भी ट्रिक बता रखा है, बस करो।
स्किप भी कर सकते हो। 16 × 14 इसका भी ट्रिक बता रखा है। 1/30 का परसेंटेज मैं करना है, इसको इक्वल टू कितना परसेंटेज होगा ये आपको लर्न करके आ जाएगा। 5 × 5 तो ये इंडाइसिस वगैरह वगैरह सारे के यू नो मिक्सअप करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब सुपर 30 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, मतलब मल्टीप्लीकेशन वगैरह कुछ भी हो सकता है, यू नो दे डोंट हैव दैट नो बाय हार्ट का कुछ भी। अब डू इट फास्ट, मतलब फटाफट से कैलकुलेट करना है आपको, फटाफट से कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब है गो ऑन एंड ऑन, मतलब जाते रहो यार, बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो वाली। यहाँ पे भी क्वेश्चन सॉल्विंग अच्छी खासी आपकी हो जाएंगी। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ही मैंने अपना चैनल ओपन किया था, क्वेश्चन सॉल्विंग का आपको इस ऐप में भी सब मिल रहा है। आप सेकंड सेक्शन की मूव ऑन करते हैं, जो कि है वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स, वैदिक मैथ की ट्रिक्स। अब यहाँ पे जो वैदिक मैथ्स की जितनी ट्रिक्स हैं उनको स्किल्स के रूप में बांटा गया, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ स्किल्स। अब ना मैं आपको जितनी वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स सिखाती हूँ ना, आपको मोस्ट ऑफ द सारी यहाँ पे मिल जाएगी। आई नो आपको शायद मिल जाएगी, यस आपको मिल जाएगी, मतलब जितनी मैं सिखाती हूँ उसमें से कई आपको मिल जाएगी, बहुत यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। मतलब बेसिक जितने वैदिक मैथ्स के होते हैं सब आपको यहाँ मिल जाएगी। कैलकुलेट मैजिक की जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैथ मैजिक वाली वही आपको सेम यहाँ पे मिल रही है। अब यहाँ देखो स्किल 1 है इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, मतलब एग्जाम्पल्स के थ्रू बेस वाला मेथड, ये मैंने सिखाया है क्या आपको याद है? यस आई हैव डन दिस राइट, डिफरेंस कॉलम। फिर यहाँ पे अब मेरे पास आज तो हमेशा ही ऐसा होता है कि मैं कभी किसी को ऐसे देखती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन कब मुझे कोई वीडियो में बताता है तो समझ में आता है। जैसे मैं वीडियोस में बताती हूँ, मेरी वीडियोस में आपको समझ में आता ही होगा। तो ये वाली जो प्रॉपर यू नो ये है आपको सीखनी है वीडियोस के थ्रू। यहाँ पे वॉच वीडियो ट्यूटोरियल पे जाओगे, क्लिक करो वॉच वीडियो ट्यूटोरियल पे, क्लिक करो यूट्यूब पे एक वीडियो खुल जाएगा मेरिट शाइन का। यह देख रहे हो मेरिट शाइन का एक वीडियो खुल जाएगा यूट्यूब पे। अब ये वीडियो में आपको ये मल्टीप्लाई करने यहाँ पे सिखा देंगे वीडियो के थ्रू, मतलब आपको कहीं पे भी और जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सब कुछ आपको इस ऐप में और मेरे चैनल पे मिलता रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, ओके यहाँ पे क्या है, आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे थर्ड आपने देखा 11 × 15 क्या होगा, बेस मेथड यूज़ करो और इसको सॉल्व करो। आपने जब सॉल्व कर लिया आपका जो भी आंसर आ गया, ठीक है आपका जो भी आंसर आ गया उसको सॉल्यूशन बाद में आप इनको यहाँ पे दिखाएंगे और आप ट्राई करके उसको फिर से ट्राई करके मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग तो आपकी बेस्ट हो जाएगी। आप ट्राई नाउ पे क्लिक करते ट्राई नाउ पे है ना, यहाँ पे आपको एक लेवल सिलेक्ट करना है, लेवल 1 फिर लेवल 2 पे जाना है, ये सारे लेवल्स दिए हुए हैं बेसिकली। लेवल 1 पे तो ईजी क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है लेवल 2 पे तो थोड़े हार्ड, थोड़े उससे ज़्यादा लेवल 5 पे हार्डेस्ट, और ट्राई नाउ लेवल 1 पे क्लिक करके आप ट्राई नाउ पे क्लिक कर लेना, ठीक है। आप स्किल 2 मल्टीप्लिकेशन, स्किल 3 मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी स्किल्स है इस पर, ठीक है मल्टीप्लिकेशन के मैंने ऑब्जर्व किए बहुत सारी स्किल्स है। चलिए ये वाली जो स्किल है ये वाली भी मैंने कवर कर ली है मेरे वीडियो में सारी, मतलब मोस्टली तो मैंने कवर कर ली। इस ऐप में से मैंने नहीं देखी थी, वो मिलने के बाद बेसिकली मुझे ये ऐप मिला है, ठीक है। अब ये देखो ये वाली भी मैंने आपको ट्रिक बताई है, मैंने इसको शूट कर लिया, आई डोंट नो मैंने अपलोड किया है या नहीं, आई डोंट रिमेंबर बेसिकली। वॉच वीडियो ट्यूटोरियल पर क्लिक करोगे आपको वीडियो ट्यूटोरियल सेम आपका यू नो खुल जाएगा, आप फटाफट से उसको देख के इसको इवन मोर सीख अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पूरी वीडियो ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगी मेरिट शाइन की मिल जाएगी, क्योंकि ऐप भी है बाय मेरिट शाइन। क्यूब रूट निकालने का तरीका, क्यूब जो हर तरह का मैजिकली कैलकुलेशन का वैदिक मैथ्स का कैलकुलेशन का आपको मिल जाएगा। नाउ हाउ क्विक यू आर, अब आपने वैदिक मैथ्स की सारे ट्रिक्स सीख ली, अब आपको जानना है कि आप कितने फास्ट हुए पहले से कंपेयर करना। गोन इन 60 सेकेंड्स पे क्लिक करो, एक लेवल पिक करो, गेम की तरह होता है ना, अब आपको वही ट्रिक्स के थ्रू इसको करना है, वो ट्रिक्स के थ्रू मैंने भी इसकी ट्रिक्स सिखाई है, डू यू रिमेंबर दैट, आई होप यू रिमेंबर, ठीक है। स्किप करके आप आगे आगे भी कर सकते हो क्वेश्चन, तो इसको आपको फास्ट यू नो बड़े अच्छे से फटाफट से वैदिक मैथ्स के ट्रिक सीखे मल्टीप्लाई करना है। अब सुपर थर्टी क्वेश्चन का लेवल सिलेक्ट कर लो, इट्स वन लेवल 1। अब ये देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन 0-0 वाले होते हैं, इसकी भी ट्रिक मैंने सिखाई हुई है, तो आप सबने नहीं देखी है वीडियोज़ तो आप देख लो, ठीक है। अभी मैं कहाँ सॉल्व करने बैठूँगा, अभी तो मुझे ऐप रिव्यू करना है। अब डू इट फास्ट, इसमें भी लेवल, इसमें लेवल्स पिक करने हैं, गेम की तरह हो गया ये। उसके बाद गो ऑन एंड गो ऑन, इसमें भी लेवल पिक करने, इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे देखते रहो आप। इस तरह के 99 से मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को, ट्रिक मैंने सिखाई हुई है, हर तरह की ट्रिक्स मैंने सिखा रखी है, तो आपको मेरे चैनल पे भी हो तो बहुत हेल्प मिल जाएगी इस ऐप से भी ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आपको इस ऐप में आना है, दैट्स टोटली ऑब्वियस। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है निकल के बाहर,
क्रिएट योर ओन टेस्ट, मुझे ये वाला टॉपिक बहुत पसंद है, आई एम जस्ट लव इन दिस टॉपिक। मतलब आप अपना एक टेस्ट खुद सा बना सकते हो। अब यहाँ पे आपको टेस्ट तो मिलेंगे, यहाँ पे चेक योर मेमोरी का भी टेस्ट मिल जाएगी आपको, यहाँ पे हाउ क्विक यू आर की भी टेस्ट। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ कि आप लोगों ने जो चीज़ें सीख रखी हो उसका अगर आपको टेस्ट बनाना, उसके रिपोर्ट कार्ड्स चाहिए ना आपको, तब आपको यार ये हेल्प नहीं करेंगे, ये दो ऑप्शंस तब आपको हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन तब आपको क्रिएट योर ओन टेस्ट ऑप्शन हेल्प करेगा। अब यहाँ पे सारे जो भी टॉपिक्स हैं, नो बाय हार्ट और कैलकुलेट मैजिकली, ये दो टॉपिक्स हैं, इनमें क्या क्या टॉपिक्स इन लोग कवर किए हैं, टेबल्स कवर किए, उसके आपको क्वेश्चन चाहिए तो ऑन रखो, टेबल्स एडवांस कवर किए उसके टेबल मुझे नहीं चाहिए, स्क्वायर्स के भी क्वेश्चन मुझे चाहिए छोड़ो, क्यूब्स के नहीं चाहिए मुझे, स्क्वायर रूट्स के भी चाहिए, क्यूब रूट्स के भी चाहिए, इंडाइसेस के क्वेश्चन मुझे नहीं चाहिए, रेसिप्रोकल के भी नहीं चाहिए, परसेंटेज के भी नहीं चाहिए, परसेंट इंक्रीजेस के ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब स्किल्स, मैंने आपको जैसे बताया था वैदिक मैथ्स के ट्रिक इन लोगों ने स्किल्स में डिवाइड कर रखी हैं, आपको कौन सी स्किल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप क्या कर सकते हैं, ये जो पूरी है ना, इस सारे ऑफ कर सकते हो, ये सारे ऑन कर सकते हो, मतलब सिर्फ स्किल्स के, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, किसी एक ही स्किल के ऊपर क्वेश्चन सॉल्विंग और टेस्ट बनाए, रिपोर्ट कार्ड्स चाहिए उसको आपके, किसी एक स्किल के ऊपर ऑन क्लिक करो और आई एम रेडी पे दबाओ। अब आपको उस प्रॉपर उस पर्टिकुलर स्किल के क्वेश्चंस पूछेंगे, एक पेन और पेपर लेके बैठो, ये टेस्ट दो, एग्ज़ाम जैसा नहीं होगा, एग्ज़ाम जैसा मतलब आपको वो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस रहेगी, आपको बहुत मज़ा आएगा, यू गाइस आर गोना लव दिस, जस्ट ट्राई इट वंस, यू गाइस आर गोना लव दिस ऐप। अब रिपोर्ट कार्ड के लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा, आप ये ऐप यूज़ कर लिया, आपको पता चल गया ऐप बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है, गूगल में लॉगिन कर लो आप फटाफट से। अब गूगल में जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे, कोई से भी अकाउंट से आप लॉगिन कर लो, मैं इससे कर देती हूँ फटाफट से, मेरे यूट्यूब अकाउंट से जनी, ठीक है, आप अपना रिपोर्ट कार्ड देखो। आप रिपोर्ट कार्ड में आपको सारे के रिपोर्ट, जैसे कि इसका, आप इसका फेचिंग रिजल्ट्स, मेरे रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, यहाँ पे आपको किस चीज़ में आपके रिपोर्ट देखने हैं, जैसे मुझे बेसिक टेबल्स में अपनी रिपोर्ट देखने हैं, तो मेरे को क्या रैंक, मेरे को कितना, यू नो, जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आपको मिलेगी। अब मैंने आपके सामने अभी ये 15.2 सेकंड्स में सॉल्व किया था, बेस्ट टाइम था वो मेरा, और मेरे रैंक वन का टाइम ये था, मतलब कंपेयर कर रहे हैं मेरे रिजल्ट्स को, और यहाँ पे 0-0 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि अभी मैंने ये सब ट्राई नहीं किया है, इसीलिए ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप वैसे ये रिपोर्ट कार्ड से आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब वीडियो ट्यूटोरियल्स, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, वीडियो ट्यूटोरियल्स जहाँ पे आपको खुशी एंड प्राची टॉल्स, वो ज्योति वर्मा बन गया है ना, हाँ, ज्योति वर्मा के जो यू नो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो इससे भी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं। ये वीडियोज़ भी आप देखें, नो डाउट ये हेल्पफुल नहीं है, लेकिन वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स के ऊपर, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रेशन, इंग्लिश ग्रामर, इवन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, IAS की प्रिपरेशन से लेके सिलॉगिज्म, ये क्या होता है, आई डोंट नो दिस लास्ट पोर्शन, आई डोंट नो, आई एम नॉट दैट एजुकेटेड, ओके। वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स के ऊपर क्लिक करोगे, पूरी की एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी, जैसे मेरी मैथ मैजिक की है उसी तरह की, एंड जैसे देखिए यहाँ पे एक प्लेलिस्ट खुल गई है, यहाँ पे इसमें जितने भी वीडियोस हैं उसके रिलेटेड आपको सब आ जाएगा, स्क्वायरिंग नंबर्स, एंडिंग विद फाइव, लर्न टू मल्टीप्लाई नंबर्स क्विकली, पार्ट फाइव, पार्ट वन, सारे मिल जाएंगे। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी मेरे चैनल का देख लो यार, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रेशन, इंग्लिश ग्रामर वगैरह वगैरह के लिए आप इनका वीडियो ट्यूटोरियल्स फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ से आप पीछे जाओगे, ठीक है, ऐप आपका क्लोज हो गया। अब हम लोगों ने इस ऐप में क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखा हम लोगों ने इस ऐप में, बेसिकली सीखा कि हम लोग हर तरह की चीज़ें मैथ्स के रिलेटेड इस मैथ्स ऐप में कर सकते हैं। तो गाइस आपको बस क्या करना है, आपको एक प्ले स्टोर मिल जाएगा, ठीक है, लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे मैथ्स ऐप आपको वैदिक मैथ्स का मिल जाएगा, रेट कर लो आपको ऐप को जितना रेट करना है वगैरह, आप इसके व्यूज़ एंड रेटिंग्स भी देख सकते हो, बहुत अच्छे रेटिंग्स हैं इस ऐप के, बहुत अच्छे रेटिंग्स हैं, रिव्यूज़ ऐप्स के इस ऐप के बहुत अच्छे हैं, देखो 5 स्टार के बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, साथ साथ में मेरे तो इंस्टॉल्ड है, अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, और मेरे शाइन के थ्रू है ये ऐप, तो होप यू गाइस एंजॉयड इट। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आई नो दैट, बट ये आप पसंद तो आया ही होगा, सो लेट मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, आ रहे हैं, बाय बाय।